हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी में आई हुई अपॉर्चुनिटी के बारे में देखने वाले हैं। प्रॉपर सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, MBA वालों भी प्रेफर्ड हैं, MBA वाले भी प्रेफर्ड हैं, और कोई भी ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है। BBA, BCom, BTech, कोई भी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, ठीक है? मतलब इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। प्रॉपर सारी चीज़ें, और आप सबको वो अपॉर्चुनिटी का लिंक आने वाला है डेफिनेटली, बिकॉज एक ऐसे वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करने वाला है जिससे डेफिनेटली आपको पहले भी हो सकता है आपने अप्लाई किया हो, नहीं किया हो, तो आज आप अप्लाई करके डेफिनेटली ट्राई आउट करना। लिंक आने वाला टेस्ट का, ठीक है? सारी चीजें देखने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट होने वाली है। कोई भी ग्रेजुएट, किसी भी ईयर का ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है डेफिनेटली। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देने, सारी अपॉर्चुनिटीज हम लोग खोज खोज के ला रहे हैं, कहां कहां से खोज खोज के ला रहे हैं यार। प्लीज यार वीडियो को लाइक करने के लिए कमेंट, एक कमेंट बनता है, इट विल गिव अस सो मच ऑफ मोटिवेशन। ये एनर्जी जहां से आ रही है ना, वो आपके कमेंट्स हैं, वो आपके लाइक्स हैं, वहीं से एनर्जी आ रही है। जो आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, अप्रिशिएट करते हो हमें, वहीं से ये सारी एनर्जी आती है। तो प्लीज यार कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना वीडियो को। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखो आगे। सो जैसे कि देख पा रहे हो, दैट इज द देसी मास्टर वेबसाइट, और यहां पे देखो ये पोस्ट हेड पोस्टेड, इट इज पोस्टेड हियर दैट इज एक्सेंचर हायरिंग फॉर बिजनेस प्रोसेस डिजाइन एसोसिएट। बिजनेस प्रोसेस डिजाइन एसोसिएट के लिए हायर कर रही है। एंड यू कैन सी इट, सारे डिटेल्स के बारे में लिखा हुआ, सारी कंपनी एक्सपीरियंस वगैरह सबके बारे में लिखा हुआ है। लास्ट डेट टू अप्लाई 16th of April, भाई बहुत दिन बचे हुए हैं, जल्दी से जल्दी अप्लाई लेकिन कर देना। कभी कभी बंद हो जाता है, उसका प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन ग्रेट रेज्यूमे के ऊपर, अगर रेज्यूमे बनाना है उसके ऊपर प्रॉपर पोस्ट है, वीडियो भी अटैच्ड है इसमें, वो यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पेज पे चलेंगे जहां पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। एज यू कैन सी हियर, इट इज डेयर टू कंप्लीट पेज। डेयर टू कंप्लीट से आपको डेफिनेटली रेस्पॉन्स आता है, बहुत सारे लोग ने अप्लाई किया, बहुत सारे लोगों को रेस्पॉन्स आया है, और लोगों ने फिर से आगे बढ़ाया, सारी चीज़ें की हैं, डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, ठीक है? तो एप्लीकेशन करने का प्रोसेस बाद में बात करेंगे। सबसे पहले डेडलाइन, जैसे मैं बोल रहा था, दैट इज 16th ऑफ अप्रैल यहां पे मेंशनड है। यू कैन सी हियर 16th ऑफ अप्रैल इज द लास्ट डेट, इट इज अ फ्री रजिस्ट्रेशन। एंड यू कैन सी हियर कि हां भाई आप ग्रेजुएट हो, आप MBA में हो, अप्लाई कर सकते हो, प्रेफरेंस क्या है। और दूसरी चीज, आप एक्सपीरियंस हो, 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है। फ्रेशर हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, 0 years ऑफ एक्सपीरियंस, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक एक्सपीरियंस्ड हो 1 साल तक के, तभी भी अप्लाई कर सकते हो। एंड यू कैन सी हियर व्हाट आर द स्किल्स, दीज आर द मिनिमम क्वालिफिकेशन, दैट इज अडैप्टिव एंड फ्लेक्सिबल। मतलब जो भी आपको काम दिया जा रहा है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एट वर्क, यू हैव टू कंप्लीट द थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क मिल सकता है, तो उसमें आपको वो आपको ये सारी चीजें करनी है। दैट इज यू हैव टू अडैप्ट द थिंग्स, यू हैव टू डू द थिंग्स द इन राइट वे, ठीक है? नेक्स्ट थिंग फिल डिटेल्ड ओरिएंटेशन, मतलब वट एवर वर्क हैज बीन गिवन टू यू, यू हैव टू डिग इन टू डिटेल, यू हैव टू एनालाइज एवरीथिंग। उसके बाद सारी डिटेल, सारी चीजें आपको निकाल के लेके आनी है। यू हैव टू बी कंसल्टेड, मतलब एनालिसिस वगैरह अच्छा होना चाहिए। उसके बाद फिर एबिलिटी टू क्विक लर्निंग, मतलब कोई भी चीज आपको सिखाई जा रही है तो सीखने की क्षमता होनी चाहिए। यू हैव टू ग्रास्प द न्यू थिंग्स प्रॉपरली, यू हैव टू कीप लर्निंग द थिंग्स बिकॉज दिस इज द प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ एक चीज बता दी कि हाँ जिंदगी भर यही करना है। यू हैव टू कीप लर्निंग द थिंग्स। जब मतलब पढ़ते जाओगे, चीजों को सीखते जाओगे, डेफिनेटली वहीं पर ग्रोथ होती है। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, दैट इज एनालिटिकल स्किल्स। अगर कोई भी टास्क आपको दिया जा रहा है, कोई भी चीज आपको दी जा रही है, तो एनालिसिस करना है उसका, एनालिसिस प्रॉपर करके सारी चीजें निकालनी है। रिटर्न कम्युनिकेशन वर्बल स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या होने वाले उसके बारे में भी लिखा हुआ है। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज सॉल्व द रूटीन प्रॉब्लम लार्जली विद द प्रेडिसेंट एंड रेफरल ऑफ द जनरल गाइडलाइंस। मतलब आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग विल बी गिवन टू यू ऑन प्रॉपर, मतलब वट एवर वर्क इट इज, यू हैव विल बी गिविंग अ प्रॉपर ट्रेनिंग, तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इंटरेक्ट विद योर टीम एंड द डायरेक्ट सुपरवाइजर, मतलब आपके अपने टीम के साथ इंटरेक्ट करना है, आपका डायरेक्ट जो मैनेजर टीम लीड जो भी है उससे, सुपरवाइजर्स के साथ, उससे आपको कांटेक्ट करना, उससे भी आपको चीजें निकलवानी है, ठीक है? उसके बाद वर्क क्लोजली विद द प्रोजेक्ट मैनेजर्स मेंबर्स विद द इफेक्टिव डिलीवरी ऑन द रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो भी डिलीवरी होती है, डिलीवरी बेसिकली क्या होता है, डेडलाइन होती है बेसिकली। सपोज देयर इज अ प्रोजेक्ट एंड उसमें है कि ये वाला पार्ट है ये 10 तारीख तक लाइव जाएगा, ये 10 तारीख तक हो जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये डेडलाइन है, ये उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन हो गई कि 10 तारीख तक लाइव जा रहा है, तो 10 के पहले 8 तारीख तक वो सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। वो मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, ठीक है? तो दैट इज द गाइड, मतलब डिलीवरीज इफेक्टिवली हो सके उसमें डिपेंड करता है। उसके बाद फिर आपको क्या है, यहां पे देखो द लोकेशन विल बी हैदराबाद। सारा एग्जाम, सारी प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। 22,000 लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। तेलंगाना में रीजन है, आर्ट साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई पे टैप करोगे, फिर ये एक गूगल अकाउंट मांगेगा कि हाँ भाई इससे आप लॉग इन कर सकते हो। उसके बाद ये देखो दैट इज दिस वन, यहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहां से अप्लाई करोगे डायरेक्टली, इस पर टैप करोगे अप्लाई नाउ पे, डेयर टू कंप्लीट से आपको इस पर
रिएक्ट किया, उसके बाद फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पे अपना ईमेल एप्लीकेशन डालना है, पासवर्ड डालना है, अकाउंट नहीं है तो स्टार्ट कर सकते हो न्यू एप्लीकेशन। यहाँ पे देखो दैट यू कैन अप्लाई एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन, वहाँ पे अपना सेंड वेरिफिकेशन कोड, आप ईमेल आईडी डालोगे, देन वेरिफिकेशन कोड विल कम टू यू, फ्रॉम दैट यू हैव टू कंप्लीट द थिंग्स। तो यही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा डेफिनेटली, नया अकाउंट है तो टाइम लगेगा, अगर आपने एक बार अकाउंट बना के रख लिया है ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ भाई आप कितने दिन पे बिकॉज 3 months का गैप ये लोग मांगते हैं कि हाँ 3 months के पहले आपने किसी भी एक्सेंचर का सिलेक्शन प्रोसेस में आपने एनरोल ना किया हो ठीक है। तो अगर किया है तो ईमेल आईडी चेंज कर लेना, मैं कहूँगा ना करना वैसे तो, बिकॉज बाद में इश्यूज होते हैं बहुत ढेर सारे, अगर कुछ मैच आउट कर गया ना तो फिर इशू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, और आप मेरे वेबसाइट पर जाओगे ना, वेबसाइट पर एक दो चीज़ें नहीं, इतनी ढेर सारी चीज़ें पोस्टेड है, दैट इज़ यहाँ पर देखो एक्सेंचर का भी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल बनाया हुआ है, दैट इज़ प्रॉपर रिसोर्सेज बनवाए हुए हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे अमेजोन VCS का प्रॉपर मटेरियल्स है जो आपको मतलब रामबाण इलाज है बेसिकली। VCS का ना आप कोई भी पढ़ो भाई क्रैक कर लोगे, बहुत इजीली क्रैक कर लोगे अगर ये पढ़ते हो। उसके बाद HR एनालिटिक्स जर्नलिस्ट टेस्ट जो कि अभी टैलेंट एक्विजिशन टेस्ट हो चुका है वो भी उसका भी है, उसके बाद और भी जो भी टेस्ट है उसके ऊपर मैं बनाऊंगा वीडियो, डेफिनेटली लेके आएंगे, लोगों को लेके आएंगे, डेफिनेटली आपको सपोर्ट चाहिए, अगर आप लाइक करें कॉमेंट करते हो डेफिनेटली वहाँ से मज़ा आता है वीडियोज़, ये एनर्जी जो आती है ना भाई बहुत मज़ा आता है वीडियो बनाने में अगर आप लोग लाइक कमेंट करते हो। और भी चीज़ें जो वेबसाइट पर पोस्टेड हैं, टेलीग्राम पर भी काफ़ी चीज़ें मैं पोस्ट आउट करता रहता हूँ, वीडियो मैसेजेस वीडियोज़ मैं पोस्ट करता रहता हूँ डेफिनेटली, जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बेनिफिट्स में, करियर बेनिफिट्स या किसी भी कोई नया एक्सेल का कोर्स आ गया सपोज तो उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दिया मैंने, तो यही सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करती हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दैट इज एक्सेल का कोर्स ऑल्सो यू विल गेट। सो यही सारी चीज़ें, एप्लीकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, पूरा प्रोसेस नहीं दिखा सकता बिकॉज वो लेंथी फॉर्म होता है ठीक है, इसी वजह से। सो दिस वाज अवर वीडियो, यही सारी चीज़ें तो आपको बताना चाह रहा है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ यार नीचे लाइक करके कॉमेंट कर दो अभी इसी वक्त, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना, ब्लॉग चैनल भी फॉलो कर लो, मजेदार चीजें वहां आ रही हैं, बाय बाय।